हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कभी हार ना माने। एक दिन गोपू और गोपी सरपंच चाचा के साथ उनके साइंटिस्ट मित्र के घर जाते हैं। गोपू और गोपी को वहाँ रखी सारी चीजें बहुत आकर्षक लगती हैं। सरपंच चाचा और उनके मित्र आपस में बात करते रहते हैं, तभी गोपू कहता है, चाचा जी क्या हम यहाँ रखी चीजों को देख लें? बिल्कुल बच्चों, पर थोड़ा केयरफुल रहना, किसी भी चीज को छूना नहीं। जी चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे ही गोपी और गोपू थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक बोर्ड पर लिखा मिलता है, बरसात के दिनों में जब बिजली चमकती है तो उससे O3 निकलता है जिसे ओजोन कहते हैं। गोपू, ये O3 और ओजोन क्या होता है? थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दिया करो। O3 को ही ओजोन बोलते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की हानिकारक किरणें जमीन पर नहीं पड़ती। गोपू का जवाब सुनकर गोपी इम्प्रेस हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ा और आगे जाते हैं, जहां उन्हें बोर्ड पर लिखा मिलता है, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी चुंबक है। वो कैसे? गोपू गोपी को कूदने के लिए कहता है। गोपी 2-3 बार जंप करती है, फिर अपने जगह पर वापस आ जाती है। तब गोपू कहता है, हमारी पृथ्वी में चुंबक लगा है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और जिसकी वजह से हम जो भी चीज हवा में उछालते हैं वो वापस धरती पर ही आ जाती है। गोपी गोपू के बात से और इम्प्रेस हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहाँ एक ग्लास में नीले रंग का पानी रखा होता है, जिसे देखकर गोपू कहता है, वाओ, साइंटिस्ट चाचा कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया है। अरे गोपू, एक बार चाचा जी से पूछ भी तो लो। पर तब तक गोपू आधी ग्लास खत्म कर चुका होता है। वो गोपी से कहता है, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें भी प्यास लगी होगी ना, ये लो। हाँ वो तो लगी है। अब गोपी भी आधी बची नीली पानी पी लेती है। कुछ देर बाद उन्हें सब कुछ बड़ा दिखने लगता है। ये क्या हो रहा है गोपू? अरे सब बड़ा हो रहा है कि हम छोटे हो रहे हैं? अब गोपी और गोपू बहुत छोटे हो जाते हैं, उन्हें बहुत डर लगने लगता है, इसलिए वो तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अचानक गोपू का पैर एक छोटे से पत्थर से टकरा जाता है और वो पानी से भरे प्लेट में गिर जाता है। गोपू, तुम्हें तैरना आता है ना? जल्दी वहाँ से बाहर निकलो। मुझे अच्छे से तैरना नहीं आता। हे भगवान, मैं क्या करूँ? गोपू सुनो, कम से कम अपने पैर और हाथ चलाते रहो। मैं ऑलरेडी थका हुआ हूँ गोपी, मुझे नहीं होगा। बस थोड़ी देर गोपू, मैं कुछ करती हूँ। क्योंकि गोपू की साइंस के नॉलेज अच्छी थी, इसलिए गोपी गोपू से कहती है, गोपू यहाँ एक नमक का डब्बा रखा हुआ है। अरे हाँ, उस नमक को इस पानी में डाल दो, जिससे पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा और मैं आसानी से बाहर आ जाऊंगा। पर गोपू, यहाँ बोर्ड पर तो लिखा है, अगर आप एक मुट्ठी नमक को एक ग्लास पानी में डालोगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ये क्या बकवास भरी बातें कह दी हो गोपी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने वो कौवा की कहानी नहीं सुनी, जिसने पानी पीने के लिए घड़े में पत्थर डाला था और पानी का लेवल ऊपर हो गया था। गोपी गोपू के बात पर भरोसा करके प्लेट में नमक डालने लगती है, पर जैसे जैसे वो नमक पानी में जाने लगता है, वैसे वैसे पानी का लेवल भी कम होने लगता है। अरे रुक जाओ गोपी, नहीं तो मैं पानी में डूब जाऊंगा।
गोपी अब मैं और हाथ पैर नहीं चला सकता, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना गोपी। कैसी बात कर रहे हो गोपू, बस थोड़ी देर और हाथ पैर चला लो। गोपी के बार बार बोलने पर गोपू अपना हाथ पैर चलाता रहता है। तभी अचानक गोपी को एक रस्सी मिलती है, जिसके सहारे गोपी गोपू को पानी से बाहर निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद अचानक दोनों वापस से बड़े हो जाते हैं। तभी वहां सरपंच जी और साइंटिस्ट चाचा आते हैं। अरे गोपू, तुम गीले कैसे हो गए? यहाँ बहुत गर्मी है ना? ओहो, मैं जल्दी ही यहाँ एसी लगवा दूंगा। तो सरपंच जी, मैं आपको अपने नए रिसर्च के बारे में बता रहा था। चलिए मैं आपको वो दवाई दिखाता हूँ जिसकी मदद से इंसान छोटा हो सकता है। कहाँ गई? यहीं तो थी, मिल क्यों नहीं रही है? गोपू और गोपी एकदम चुप रहते हैं। ओहो, शायद मैंने कहीं और रख दी। सॉरी बच्चों, अगली बार जब तुम दोनों चाचा जी के साथ आओगे तो मैं तुम दोनों को छोटा होने वाली दवाई का एक डेमो दूंगा, पर पता नहीं वो काम करेगी कि नहीं। हाँ चाचा जी, वो बिल्कुल काम करेगी, पर आपको उसमें थोड़ा सा और काम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दवाएं बस थोड़ी देर के लिए ही छोटा कर पाती हैं। ये बात तो है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोपू। अब गोपू, गोपी और सरपंच जी गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में गोपू कहता है, थैंक यू गोपी, अगर तुम नहीं होती तो मैं हार मान के पानी में डूब ही जाता। ऐसे कैसे डूब जाते, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। क्या पीछे शादी? तुम बहुत बुझी हो गोपी। दोस्तों, अगर आपको गोपू गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोस विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। तब तक के लिए बाय बाय।